डेंटल एसोसिएशन सहजनवा ब्रांच के तत्वावधान में शनिवार की देर शाम मोहद्दीपुर स्थित एक स्थानीय होटल में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर के गुप्ता और डॉक्टर जागृति गुप्ता ने स्माइल डिजाइन एवं फेशियल एस्थेटिक पर जानकारी दी। वहीं सहजनवा ब्रांच के सचिव डॉक्टर राजकुमार सिंह ने भी इस विषय पर प्रकाश डाला। साथ ही IDA सहजनवा ब्रांच के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज मल्होत्रा ने वक्ताओं और उपस्थित अन्य डॉक्टरों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के दौरान ही मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर रवि राय एवं डॉक्टर रश्मि राय का स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर राजीव गुलाटी, डॉक्टर सदाशिव जोशी, डॉक्टर मनीष सिंह सहित बड़ी संख्या में डेंटिस्ट मौजूद रहे। I was there at the BHU when in 2016 we have set the podium with huge clapping in this BHU conference. I think you remember. As per that thing. Otherwise, like if problem is in automatic. इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य वक्ता डॉक्टर जागृति गुप्ता ने बताया कि किस तरीके से स्माइल डिजाइनिंग की जाती है, उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, सर्जिकल प्रोसीजर है, सर्जिकल कैसे होता है, नॉन सर्जिकल कैसे होता है, नॉन इन्वेसिव और भी बहुत तरीके के फेशियल एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो अब आ गए हैं, लोग कराने लग गए हैं, जैसे लिप रिपोजिशनिंग है या माथों पे रिंकल्स है या फिर आपके गड्ढे हैं या एक्ने के दाग रह गए हैं या मोल वॉट रिमूवल, ये सारी चीजें हैं, या एंटी एजिंग है कि जिससे आपके फेस को टाइटनिंग मिले या जो भी उससे रिलेटेड सारी चीजें, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। ये एक नया अपकमिंग कोर्स है जो कि अब डेंटल में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो अब जो है इसको अब सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सारे पहले ये होता था कि सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, दिल्ली बॉम्बे में यूज होते थे सारे एस्थेटिक प्रोसीजर्स, अब जो है ये सब तरफ आ गए हैं, मतलब इवन सबर्ब्स में, छोटे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, सारी सिटीज में आ गए हैं। तो अब बहुत सारे लोग कोर्सेज कर रहे हैं और नई नई चीजें सीख रहे हैं, नए नए सर्जरी सीख रहे हैं और सारी चीजें कैसे कर सकते हैं और बेटर अपना अपीयरेंस और अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। तो ये सारी चीजों के बारे में आप लोग बता रहे हैं। देने के लिए क्या करना है? आम लोगों को जानकारी देने के लिए ये है कि जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि गमी स्माइल, जैसे आप देखते हैं मसूड़े दिख रहे हैं हंसने के टाइम पे, तो उसकी सर्जरी पॉसिबल है। पहले लोगों को लगता था कि ये हमारा इनहेरेंट है, हमारे अंदर है, इसको हम ठीक ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए या तो कुछ लोगों को ऐसा था कि सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो अब दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, आप सर्जिकल भी करवा सकते हैं और कुछ इंजेक्शन आते हैं उसके थ्रू भी करवा सकते हैं। कुछ लोगों के जैसे है कि गम दिख रहे हैं बिकॉज कि उनके अपर लिप वो पतले हैं, तो आप फिलर्स के थ्रू अपना अपर लिप भी उसको साइज में इंक्रीज करा सकते हैं और जो है